भाजपा प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध, लोगों ने लिया वोट न देने का संकल्प, भाजपा प्रत्याशी का फूका गया पुतला, प्रत्याशी के काफिले पर मुर्दाबाद के नारे। भाजपा उम्मीदवारों के नाम तय होते ही सभी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। यूपी के पहले चरण में चुनाव 11 अप्रैल को होने हैं और यहां नामांकन भरने के भी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा यह है कि वो एकजुट होकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताने में मदद करें, लेकिन यूपी के बिजनौर सीट पर तो बीजेपी में विरोध खड़ा हो गया। बीजेपी ने बिजनौर लोकसभा सीट से कुंवर भारतेंदु सिंह का टिकट घोषित किया तो अगले ही दिन क्षेत्र के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय नेताओं ने भारतेंदु सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। विरोधियों ने भाजपा उम्मीदवार का पुतला उस वक्त फूका जब उनका काफिला वहां से गुजर रहा था। जब विरोधियों से विरोध की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इससे बुरा उम्मीदवार और कोई नहीं हो सकता, ये भाजपा को हरा देगा और हम अपनी एक सीट कम करना नहीं चाहते। मैं ऐसा है क्या, आप बताएं, आप अच्छाई एक भी अच्छाई हो तो आप बताएं। कभी क्षेत्र में आए हो? कभी क्षेत्र में आए हो? आज तक 5 साल हो गए चुनाव से बाद हमारे पूरे गांव में नहीं आए, उससे बेकार आदमी, उन पे अपनी निधि तक खर्च नहीं हुई, केवल जातिवाद भरा हुआ है उसके दिमाग में। गांव में हम नहीं चाहते कि हमारी एक सीट कम हो, हमारी बिजनौर सीट हमारे से चली जाए। बीजेपी उम्मीदवार भारतेंदु के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई और यहां से कई जाति के लोगों ने भारतेंदु को वोट न देने का संकल्प लिया। लोगों ने कहा कि इस बार 2 लाख लोग भारतेंदु को वोट नहीं करेंगे। जब सांसद भारतेंदु से विरोध के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि ये चुनावी हथकंडे हैं और विपक्ष की चाल है, लेकिन अगर ये सच में भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं तो फिर भारतेंदु के लिए मुश्किल वाली बात होगी।